यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा, कह रहा किसी त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का जोड़ या योग 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। मैंने यहाँ दो थ्योरम फिर लिखा है, आइए हम पहले वाले को समझते हैं। पहले जो तीसरा है क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के, आप समझिएगा, किसी त्रिभुज के मान लीजिए कोई त्रिभुज बना दीजिए और आप नेमिंग कर दीजिए ए बी और सी। कह रहा है कि सभी बहिष्कोण, अभी हम बहिष्कोण बता के आए हैं, चलिए ये बना दिया एक्स मान लिया, ये हमने बनाया, मान ले रहे हैं क्या चीज, ये आपका बी है, इसको वाई मान लिया वाई, और आप इधर भी बना दीजिए, थोड़ा सा जगह नहीं यहीं तक मान ले रहे हैं, ये हमने बना दिया, इसको मान ले रहे हैं जेड। तो क्या होता है, सभी बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। कैसे होता है यही बात हम आपको बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा डी है यहाँ पे, ई मान ले रहे हैं, इसको एफ मान ले रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा आसानी हो लिखने के लिए कोण एक को ए को ए वन मान ले रहे हैं, इसको टू मान ले रहे हैं, इसको थ्री मान ले रहे हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आसान होता है। सीधी सी बात समझिए कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो एक्स होगा, कोण एक्स जो होगा वो वन के और टू के सम के बराबर होगा। पढ़े हो अभी कि कोई भी बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, लिख दिया, इसको एक मान लीजिए। उसी तरीके से अगर हम y को लिखना चाहें तो देखिए y किसके बराबर होगा, 1 के और 3 के, तो 1 और प्लस 3, इसको 2 मान लीजिए। अगर हम z को लिखना चाहें तो z किसके बराबर होगा, 2 और 3 के सम के, 2 और 3 के सम के। ये ऐसा क्यों हुआ है, आप बात को समझ रहे हैं, इससे पहले वाला थ्योरम ही हमने यही प्रूफ किया। अगर हम सबको जोड़ दें एक्स वाई जेड, ये इधर जुड़ेगा एक्स वाई जेड, हम कोण नहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए एक वन मतलब टू टाइम्स एंगल वन, दो बार हो जाएगा, प्लस दो यहाँ है, दो यहाँ है तो टू टाइम्स एंगल टू, तीन यहाँ है, तीन है तो टू टाइम्स एंगल थ्री, कोई समस्या की बात नहीं है। दो कॉमन ले लीजिए, कोण एक कोण दो कोण तीन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, बात को समझ गए। ये क्या मिला हमको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला। एक लाइन अगर हम और इधर लिख दे, देखिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दो रहने दीजिए। आप बताइए वन टू थ्री जो तीनों कोण बन रहे हैं, एक दो तीन, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। पहला हमारा थ्योरम था 180 दूना 360, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना मिल गया, 360 डिग्री मिल गया। यही हमको बताना था कि किसी त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो आप बातों को शायद अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, बड़ा ही आसान होता है, चीज़ों को आप याद करिए, चीज़ों को समझिए। और दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, आपसे निवेदन भी है कि अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए इतना काम करते हैं, तो हम आपसे बस इतना उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फेमस करें और कुछ नहीं, और हम आपके साथ लगातार ऐसे काम करते रहेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे तो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, दो ही बच्चे पढ़ेंगे, चार बच्चे पढ़ेंगे, दस ही बच्चे मेरे पढ़ेंगे, लेकिन वही तो हमसे पढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा, और हम कंप्लीट बताएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं और उसको साथ लेके चलेंगे। लास्ट में हमारे चाहे कितने भी कम बच्चे हो, लेकिन मुझे इस बात का जरूर मुझे प्राउड होगा कि हमने पांच लोगों को तो कम से कम सिखाया, मैंने दो लोगों को कम से कम सिखाया, मैं एक लोगों को कम से कम से सिखाया, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए है कि मैं किसी को सिखा तो पा रहा हूँ। तो देखिएगा ये हमारा अगला था, अब मैं उसके बाद बताता हूँ आपको इसका चौथा। कह रहा किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का एक अभिमुख कोण अंतःकोण से बड़ा होता है। देखिए कैसे कह रहा है, अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है, जैसे समझिएगा, अब आप बताइए अगर एक त्रिभुज हम ये बना देते हैं, मान लीजिए ये कह क्या रहा है, देखिएगा सिर्फ आप यहाँ पे इसको डी तक बढ़ा देते हैं, ये बहिष्कोण हुआ, और हम यहाँ कर दें एक और दो, यहाँ कर दें तीन, तो हम लोग जानते हैं कि जो कोण एक होता है वन और टू के जोड़ के बराबर होता है। यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोई भी बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इसी को तो पढ़ा गया भैया। ये कह रहा है कि जो बहिष्कोण बन रहा है ना, वो किसी एक से, अच्छा एक बात बताइए, जो एक्स है
ये 1 और 2 का सम सम से क्या है बताइए, दोनों के सम के बराबर है, दोनों के जोड़ के बराबर है। इसका मतलब खाली अगर हम x कहें तो बताइए ये बड़ा नहीं होगा 1 से, खाली हम x कहें तो ये बड़ा नहीं होगा 2 से, वही वो कह रहा है। और कैसे होगा ये ऐसे समझ लो यार भाई, देखो बहुत आसानी तरीके से समझ लो, अगर नहीं समझ पा रहे हैं देखिए, मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं 40 डिग्री, इसको 50 डिग्री, 50 नहीं थोड़ा और मानिए इसको 70 डिग्री मान ले रहे हैं, और इसको भी मान ले रहे हैं हम 80 डिग्री, तो 8 7 15 हो गया, चलिए इसको 30 डिग्री मान ले रहे हैं। हम आपसे कहे बताओ भैया यहां पे x का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 150 डिग्री। अब अगर हम कहें कि यही x खाली a से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, x 150 है और a 70 डिग्री है, a 70 डिग्री है, तो बताइए x यहां ग्रेटर नहीं है a से, क्या x ग्रेटर नहीं है b से? वही बात वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण एक अभिमुख अंतःकोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यही बात इसमें हमको सिर्फ बताना था इतना, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ रहे हैं, आज हमने चार थ्योरम आपको बताए और चारों बड़ा ही बेसिक है और बड़ा सवाल पूछता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, याद रखो चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग अगर देखा जाए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर सीडीएस का दे रहा है, पता चला उसमें ज्योमेट्री आ गई तो उसमें ट्रायंगल आ गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये नहीं लगेगा, उसमें भी यही लगेगा, वो भी यही कॉन्सेप्ट लगाएगा कि किसी बहिष्कोण का सबका जोड़ 360 होता है, और कोई छोटा एग्जाम दे रहा है उसमें भी वही लगेगा, ऐसा नहीं है। फर्क इतना बस क्वेश्चन में थोड़ा लेवल ऊपर नीचे कर देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट एक ही होता है। मैथ आप सीख रहे हैं कहने का मतलब आप सारे एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप मैथ सीख रहे हैं तो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब आप ये सीख रहे हैं तो आपके लिए हमेशा काम, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आप पीजीटी पीजीटी या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, या मान लीजिए आप कोई चीज और कर रहे हो, मास्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, कल को आप टीचर हो जाएंगे और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बन गए, साइंस के बन गए, और आपको मैथ मान लीजिए उतना नहीं आ रहा है और आपको मैथ लगा दिया गया, तब भी आपको काम आएगा। तो मेरे दोस्तों चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, जितने भी टेट है मार्केट में यार, आप सीधे ये बात कह लीजिए आप सीख रहे हैं, सबके लिए बेनिफिट है। तो आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, अगले वीडियो में देखिएगा दो प्रमेय और ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और मैं बता दूं लगभग हर एग्जाम में यार उस पे सवाल आता है। बनाएंगे क्या, जितना प्रमेय है जितना थ्योरम उसी पे तो बनाएंगे, जब सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा तो एक्स्ट्रा कहां से वो बनाएंगे। तो भैया एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा जो हम थ्योरम लेके आने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप बात को समझिएगा, और बहुत ज्यादा सवाल बनता है जब उसको हम पढ़ाएंगे आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा यार वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चीजों को शायद आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज आप इसको इसका बकायदा आप अगर एक बार नहीं समझ पाते दो बार तीन बार जितनी बार मन के उतनी बार आप इसको समझिए, और अगले वीडियो के लिए फिर तैयार रहिए, उसमें देखिएगा मैं दो और अच्छे अच्छे थ्योरम लेकर के आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।